नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट में दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरे का आज चौथा दिन है। आज वो जापान के सम्राट से मुलाकात करने वाले हैं। सुबह से ही राजधानी टोक्यो में उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। जापान की राजधानी टोक्यो में पीएम नरेंद्र मोदी जापान भारत एसोसिएशन के कार्यक्रम में शरीक हुए। यहां उन्होंने कहा कि जापान में अपनापन देखकर वो अभिभूत हैं। टोक्यो में मोदी ने शेयर मार्केट में उद्योगपतियों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जापान को लुक एट इंडिया नीति अपनानी चाहिए। मोदी ने कहा भारत में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। जापान दौरे के चौथे दिन पीएम नरेंद्र मोदी का आज काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा। पीएम मोदी आज राजधानी टोक्यो में कई जापानी प्रतिनिधियों से मिले और उनसे बातचीत की। पीएम नरेंद्र मोदी का टोक्यो में एक अलग ही अंदाज दिखा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के इस कार्यक्रम में उन्होंने जमकर ड्रम बजाए। दरअसल जब पीएम मोदी मंच पर पहुंचे तो उनके स्वागत में ड्रम बजाया जा रहा था। मोदी खुद को रोक नहीं पाए और ड्रम बजाने वाले के साथ खुद भी जुगलबंदी करने लगे। इसी कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने जापानी परंपरा के मुताबिक एक घंटी भी बजाई। दरअसल पीएम मोदी को कार्यक्रम में मोमेंटो के तौर पर घंटी भेंट की गई, जिसे रखने से पहले उन्होंने घंटी भी बजाकर लोगों को सुनाई। सोमवार को जब पीएम नरेंद्र मोदी जापान की राजधानी टोक्यो के एक स्कूल में पहुंचे तो उन्होंने बांसुरी पर हाथ आजमाया। जब बच्चों ने उन्हें बांसुरी बजाकर सुनाई तो पीएम ने भी इन बच्चों को बांसुरी बजाकर सुनाई। जापान दौरे का चौथा दिन पीएम नरेंद्र मोदी टोक्यो में सेक्रेड हार्ट यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां उन्होंने छात्रों को संबोधित किया, साथ ही उनके सवालों के जवाब दिए। यूनिवर्सिटी में अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में महिलाओं का काफी सम्मान किया जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी कैबिनेट में 25% महिलाएं हैं, जो कि देश के लिए अहम फैसले लेती हैं। सरकार बनी है, अभी अभी 100 डेज हुए हैं सरकार को। मेरा जो कैबिनेट है, कैबिनेट में 25% वीमेन है। पीएम नरेंद्र मोदी ने छात्रों को बताया कि उन्हें जो भी तोहफे मिलते थे उसकी नीलामी करवाई और जो 78 करोड़ मिले उसे लड़कियों की शिक्षा के लिए खर्च किया गया। 14 साल में जो चीजें मुझे मिली थी, छोटी मोटी कुछ भी चीज मिली हो तो उसका ऑप्शन दिया। जब मैंने बिना छोड़ा तो मैंने 78 करोड़ रुपीज गुजरात की सरकार के तिजोरी में जमा करवाए थे, जो बच्चियों की शिक्षा के लिए खर्च किए जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने छात्रों को सोशल मीडिया से जुड़ने की सलाह भी दी। मोदी ने कहा कि वो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। उन्होंने जापानी छात्रों से कहा कि वो उनसे सोशल मीडिया के जरिए सवाल पूछ सकते हैं। मैं सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हूँ, ट्विटर, फेसबुक पर कहा मुझे जरूर अपनी बात बता सकते हैं, मुझे क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा की जाती है। हम पेड़ को पूजते हैं और चांद को मामा, सूरज को दादा कहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं बल्कि संवाद करने की जरूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा की जाती है। हम पेड़ को पूजते हैं और चांद को मामा, सूरज को दादा कहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं बल्कि संवाद करने की जरूरत है। इससे पहले कल पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ कई अहम समझौते किए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट रहा, जिसके लिए जापान ने भारत को वित्तीय और तकनीकी मदद देने पर सहमति जताई। जापान ने अगले 5 साल में भारत में दुगना निवेश करने की बात कही है। 5 साल के अंदर भारत में जापान 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश करेगा। ये भारी भरकम निवेश भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में होगा। पीएम नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में मेट्रो प्रोजेक्ट में भी जापान मदद करेगा। अहमदाबाद में मेट्रो सेवा शुरू करने की तैयारी है, जिसके लिए वित्तीय और तकनीकी मदद करने के लिए जापान ने सहमति दी है। भारत और जापान के बीच कई अहम करार पर हस्ताक्षर हुए। इनमें स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण, सड़क निर्माण जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर शामिल हैं। क्योटो की तर्ज पर काशी को विकसित करने का समझौता पहले ही हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी को जापान की स्मार्ट सिटी क्योटो की तरह विकसित करने का करार भी किया। क्योटो में ये करार हुआ, जिसके मुताबिक काशी को हेरिटेज सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा।
पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान दौरे में दो दो मंदिरों के दर्शन भी किए। रविवार को क्योटो के प्राचीन तोजी मंदिर में पहुंचे। इस दौरान मोदी के साथ मेजबान पीएम शिंजो आबे भी थे। तोजी बौद्ध मंदिर के दर्शन के बाद रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने किनकाकुजी बौद्ध मंदिर के दर्शन किए। 600 साल से ज्यादा पुराने इस मंदिर में मोदी काफी देर तक रुके। रविवार को टोक्यो में जब किनकाकुजी मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी गए थे तो वहां मौजूद लड़कियों ने उन्हें घेर लिया और तस्वीरें खिंचवाने की जिद की। पीएम मोदी ने इन्हें निराश नहीं किया। रविवार को जापान के क्योटो शहर में विजिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी हल्के फुल्के मूड में नजर आए और उन्होंने एक बच्चे का कान खींचकर अपने ही अंदाज में लाड प्यार जताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को क्योटो यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। वो यूनिवर्सिटी के स्टीम सेल रिसर्च सेंटर पहुंचे और वैज्ञानिकों से चर्चा की। सेंटर के लैब में उन्होंने कुछ वक्त भी गुजारा। केंद्र में मोदी सरकार का आज 100वां दिन है। नरेंद्र मोदी ने 26 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इन 100 दिनों में मोदी सरकार की कई उपलब्धियां रही तो कई मुद्दों पर सरकार की आलोचना भी हुई। मोदी सरकार ने बजट में देश भर के 100 स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की। साथ ही हाई स्पीड और बुलेट ट्रेन चलाने की योजनाएं बनाई गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का भी ऐलान किया हुआ है। मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही काले धन पर एसआईटी बनाने का फैसला किया। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए एसआईटी को मंजूरी दी गई। काला धन वापस लाने का वादा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सरकार के कई अहम फैसलों को भी बदल दिया। यूपीए सरकार में बने कई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। साथ ही उन्होंने 17 मंत्रालयों को 7 टुकड़ों में बांट दिया। 10 जून को मोदी सरकार ने कैबिनेट की 4 स्टैंडिंग कमेटियों को भी बर्खास्त करने का फैसला किया। साथ ही यूपीए सरकार के दौरान बनाए गए सुरक्षा, राजनीतिक मामलों, आर्थिक मामलों और संसदीय कार्य से जुड़ी अहम कैबिनेट कमेटियों का पुनर्गठन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को खत्म करने का अहम फैसला लिया। पिछले 50 सालों से देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाने वाली योजना आयोग की जगह अब नई संस्था बनाने की तैयारी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जनधन योजना की शुरुआत की। इसके तहत हर परिवार में दो दो बैंक खाते खोलने की योजना है। जिस दिन जनधन योजना लॉन्च की गई उस दिन 1,84,00,000 बैंक खाते खुले थे। 15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से सांसद आदर्श ग्राम योजना का ऐलान किया। इसके तहत हर सांसद को अपने इलाके में एक आदर्श गांव बनाना होगा। इस योजना का औपचारिक ऐलान 11 अक्टूबर को जेपी जयंती पर होगा। केंद्र सरकार ने जजों की नियुक्ति के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग बिल पास करवाया, जिससे पुराना कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो गया। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता में कमी के आरोप के चलते इस सिस्टम की आलोचना हो रही थी। अब नए सिस्टम से न्यायिक आयोग सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेगा। केंद्र ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव को मंजूरी दी। सरकार ने तय कर दिया कि अब गंभीर अपराधों के मामले में 16 साल से बड़े किशोरों को भी वयस्क की तरह सजा दी जा सकेगी। ये फैसला लेने की जिम्मेदारी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पर छोड़ी गई। क्या आरोपी पर मुकदमा बालिग के तौर पर चलाएं या नहीं। 15 अगस्त को लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि अब कोई भी स्कूल नहीं होगा जहां बच्चों के लिए शौचालय न हो। उन्होंने सांसदों से अपील की थी कि वो सांसद निधि का इस्तेमाल स्कूलों में शौचालय बनवाने के लिए करें। 15 अगस्त को अपने भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर कोई लड़कियों से पूछता है कि वो कहां जा रही हैं, लेकिन लड़कों से नहीं पूछा जाता कि वो कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का ऐलान भी किया। ये अभियान महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसके साल 2019 तक हर शहर, हर सड़क और हर गली को साफ सुथरा करने की योजना है। लाल किले पर पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण की खास बात यह रही थी कि उन्होंने लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ा था। वो लाल किले पर पहली बार भाषण दे रहे थे। यहां उन्होंने मेक इन इंडिया का नया नारा भी दिया। मोदी सरकार में जीडीपी दर में उछाल भी हुआ। मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी 5.7% रही। पिछले 10 तिमाही में ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। इससे पहले जीडीपी में वृद्धि दर 5 से 5.4% तक ही थी। बजट में मोदी सरकार ने नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में राहत दी। छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की गई और 80C के तहत मिलने वाली छूट की सीमा और पीपीएफ निवेश की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई। रसोई गैस और केरोसिन की कीमतें नहीं बढ़ाने का ऐलान करके जनता को महंगाई से बड़ी राहत दी गई है। साथ ही मोदी सरकार में अब तक 3 बार पेट्रोल के दाम घटाए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, महीने में 1 ही बार मिलने वाले सब्सिडी सिलेंडर की बाध्यता खत्म की गई। रेलवे की बदहाली दूर करने के लिए यात्री किराए में 14% की बढ़ोतरी का साथ ही फैसला लिया गया। साथ ही माल भाड़ा भी 6% बढ़ाया गया।
इस फैसले पर मोदी की काफी आलोचना हुई, लेकिन जानकारों के मुताबिक सुविधाएं दुरुस्त करने के लिए यह फैसला सही था। भारतीय रेलवे की बदहाली को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने विदेशी निवेश का भी फैसला किया। बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए रेलवे में 49% एफडीआई को मंजूरी दी गई। दिल्ली के बजट में लोगों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। दिल्ली वालों को बिजली में 260 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी गई। सरकार ने यह भी ऐलान किया कि दिल्ली में एक नया आधुनिक अस्पताल भी बनेगा। महंगाई पर काबू पाने के लिए आलू प्याज को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में रखा गया। साथ ही राज्य सरकारों को कालाबाजारियों से सख्ती से निपटने की हिदायत दी गई। आम जनता से जुड़ी चीजों के निर्यात पर पाबंदी लगाई गई। सरकार ने चीनी पर आयात शुल्क 15% से बढ़ाकर 40% करने का फैसला लिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इससे चीनी की कीमत बढ़ेगी, लेकिन सरकार का तर्क था कि इस फैसले से घरेलू चीनी उद्योग मजबूत होगा। मोदी सरकार ने बीमा के क्षेत्र एफडीआई की सीमा 26 से बढ़ाकर 49% की। साथ ही सेना के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा क्षेत्र में 49% विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई। 4 जुलाई को नरेंद्र मोदी ने वैष्णो देवी के भक्तों को तोहफा दिया था। कटरा उधमपुर ट्रेन का यह तोहफा था। मोदी के सुझाव के बाद ट्रेन का नाम श्री शक्ति एक्सप्रेस कर दिया गया। मोदी के उस सुझाव पर भी काम हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कटरा स्टेशन को सौर ऊर्जा आधारित बनाया जाए। 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने यहां लद्दाख में पनबिजली परियोजना का उद्घाटन करते हुए प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन का नारा दिया। 30 जून को प्रधानमंत्री ने श्रीहरिकोटा में पीएसएलवी C-23 रॉकेट लॉन्चर से 5 उपग्रहों को लॉन्चिंग उसकी की थी। इसरो के वैज्ञानिकों को इस कामयाबी की बधाई देने के बाद मोदी ने कहा कि सार्क देशों के लिए भी एक सैटेलाइट बनाई जाए, जो सभी देशों को विकास में मदद करे। 14 जून को नरेंद्र मोदी ने गोवा में देश के सबसे बड़े जंगी जहाज INS विक्रमादित्य को देश को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सेना से जुड़े उपकरणों और हथियार के निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। 16 अगस्त को पीएम मोदी ने देश में बने सबसे बड़े युद्धपोत INS कोलकाता नौसेना में शामिल किया। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस ये युद्धपोत घरेलू तकनीकी से बना है। इस मौके पर मोदी ने कहा था कि ये युद्धपोत भारत के बुद्धिबल का नतीजा है। मोदी सरकार ने गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया, जिसमें 2000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। साथ ही गंगा को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए 4200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने राम सेतु के मुद्दे पर भी बड़ा फैसला लिया। सरकार ने तय किया कि वो राम सेतु के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होने देगी। राम सेतु के बीच से जहाजों के लिए रास्ता बनवाने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन सरकार ने कहा कि लोगों की भावनाओं को दरकिनार नहीं किया जाएगा। 12 जून को मोदी सरकार ने 8 साल से अटके सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के फैसले पर मोहर लगा दी, जिसके तहत नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 17 मीटर और बढ़ाई जाएगी। मनमोहन सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। मोदी सरकार ने तय किया कि देश के सभी राज्यों में दिल्ली एम्स जैसे अस्पताल खोले जाएंगे। साथ ही फैसला लिया कि आंध्र, पूर्वांचल, बंगाल और विदर्भ में एम्स की 4 शाखाएं खुलेंगी। साथ ही देश में 12 मेडिकल कॉलेज और नए IIT खोले जाएंगे। देश के हवाई यात्रियों को राहत देते हुए मोदी सरकार ने एक साथ 6 नई एयरलाइंस के लिए लाइसेंस को हरी झंडी दिखाई। इन एयरलाइंस को लाइसेंस देने की प्रक्रिया महीनों से अटकी हुई थी। 20 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान संसद में जाने से पहले उन्होंने संसद को प्रणाम कर सभी सांसदों को के लिए एक नजीर पेश की। बैठक में मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद 4 जून को नरेंद्र मोदी ने पहली बार लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया। लोकसभा में अपने पहले भाषण में उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि आम आदमी की उम्मीदों और सपनों को पूरा करने की वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। 28 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माई गवर्नमेंट से एक वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट के जरिए मोदी सरकार गंगा सफाई, डिजिटल क्रांति जैसे कई मुद्दों पर देश के लोगों की राय मांग रही है। इस वेबसाइट पर अब तक देश के हजारों लोग अपनी राय दे चुके हैं। सत्ता संभालने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए कई तरह के निर्देश जारी किए। कई कार खरीदने और दफ्तर में फिजूल खर्ची पर पाबंदी लगा दी। साथ ही अपनी मनमर्जी से पीए रखने पर भी रोक लगा दी गई। पीएम ने पार्टी सांसदों के लिए भी सख्त फरमान जारी किए। सभी सांसदों को संसद सत्र के दौरान रोजाना संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने को कहा गया। जिन सांसदों को इसका उल्लंघन किया उन्हें फटकारा गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ 4 जून को बैठक की। सभी सचिवों के पास जाकर उन्होंने हाथ मिलाया। उन्होंने अफसरों से कहा कि वो बगैर डरे हुए फैसले लें और आइडिया लें।
प्रधानमंत्री ने बेहतर कामकाज के लिए पीएमओ को 3 मंत्र दिए। पहला, लोगों की शिकायतों पर जल्द कार्रवाई हो। दूसरा, राज्यों और केंद्र के बीच रिश्ते और मजबूत करने के लिए काम हो। और तीसरा, सेना की सारी जरूरतों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण में पाकिस्तान समेत दक्षिण एशियाई देशों के प्रमुखों को न्योता देकर एक नई नजीर पेश की। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में पाक पीएम नवाज शरीफ के अलावा नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव के राष्ट्र प्रमुख पहुंचे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन जब पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने कश्मीरी अलगाववादियों से बातचीत शुरू की तो एक झटके में मोदी ने भारत पाक सचिव स्तर की वार्ता को रद्द कर दिया था। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपने पहले विदेश दौरे में भूटान गए। मोदी ने भूटान नरेश और पीएम से मुलाकात की और भूटानी संसद को संबोधित भी किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई तरह के करार भी हुए। अपने दूसरे विदेश दौरे में पीएम नरेंद्र मोदी ब्राजील गए। यहां उन्होंने ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहां ब्रिक्स बैंक बनाने का अहम फैसला हुआ। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि ब्रिक्स बैंक का वो पहला अध्यक्ष बना। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। 40 मिनट तक की तय मुलाकात 80 मिनट तक चली। इस बैठक में सीमा विवाद, आर्थिक रिश्ते और कैलाश मानसरोवर यात्रा के दूसरे रूट पर चर्चा हुई। पिछले महीने पीएम नरेंद्र मोदी नेपाल यात्रा पर भी गए। 17 साल बाद कोई भारतीय पीएम द्विपक्षीय वार्ता के लिए नेपाल पहुंचा। यहां मोदी ने पनबिजली योजनाओं के लिए नेपाल सरकार के साथ समझौता किया। नेपाल यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी राजधानी काठमांडू में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए भी गए। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। मोदी ने मंदिर में 3 करोड़ मूल्य के 2.5 टन चंदन की लकड़ियां दान की। कभी नरेंद्र मोदी को वीजा देने से इनकार करने वाला अमेरिका भी झुकता दिखाई दिया और राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें अमेरिका आने का न्योता दिया। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा इसी महीने होने वाली है। इराक में फंसे भारतीयों की वतन वापसी में भी मोदी सरकार की अहम भूमिका रही। मोसुल, तिक्रित और इराक के दूसरे शहरों में फंसे लोगों और नर्सों को सही सलामत देश लाया गया। केंद्र की मोदी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद कश्मीरी पंडितों को लेकर भी गंभीर रुख अपनाया। सरकार ने कश्मीरी पंडितों को यह भरोसा दिया कि न सिर्फ उनकी जमीन वापस की जाएगी बल्कि उनको दोबारा बसाने का भी पूरा इंतजाम किया जाएगा। यूपीएससी परीक्षा में सीसेट विवाद पर अहम फैसला लिया गया। सरकार ने तय किया कि अब मेरिट लिस्ट में अंग्रेजी पेपर के नंबरों को नहीं जोड़ा जाएगा। सरकार ने 2011 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने वाले छात्रों को एक और मौका दिया जाने की बात कही। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल टोक्यो में अपने 100 दिनों की सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 100 दिनों में जो काम किए गए उसके परिणाम आज दिख रहे हैं। 100 दिन के भीतर भीतर जो इनिशिएटिव हमने लिए हैं, एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं, उसके परिणाम आज साफ नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार के 100 दिन पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि अच्छे दिन बीजेपी के लिए आए हैं, आम जनता के लिए तो अब तक नहीं आए। अगर किसी के अच्छे दिन आए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के जरूर आ गए होंगे लोगों को बहकाकर, पर भारत के लोगों के अच्छे दिन ना तो आए हैं और ना ही आगे आने का कोई आसार है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनसे पूछिए क्या महंगाई कम हुई है। व्हाट अबाउट प्राइसेस, हैव दे गॉन डाउन? यू आस्क देम। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने सोनिया गांधी के सवाल का गोलमोल जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी कुछ भी कहें लेकिन हमारी सरकार पहले दिन से ही काम कर रही है जिसे जनता देख रही है। सोनिया गांधी जी जो कहें देश की जनता तो सामने देख ही रही है। मोदी जी की सरकार पहले दिन से काम कर रही है, सो नहीं रही है, रही है। सोनिया गांधी जी जो कहें देश की जनता तो सामने देख ही रही है। मोदी जी की सरकार पहले दिन से काम कर रही है, सो नहीं रही है। केंद्र की मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ में केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। लखनऊ स्थित कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से ये विरोध मार्च शुरू हुआ। हाथों में बैनर और तख्तियां लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर वादे पूरे न कर पाने का आरोप लगाया और गिरफ्तार किया। वहीं गोरखपुर में भी कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने मोदी पर 100 दिन के अंदर कई वादे पूरे नहीं करने के आरोप लगाए।
दिल्ली में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से पूछा कि काला धन वापस क्यों नहीं आया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस वालों से झड़प भी हो गई। नरेंद्र मोदी के पीएम बनते ही सोशल नेटवर्किंग साइट पर उनके फॉलोअर्स तेजी से बढ़ने लगे। फेसबुक में उनके फैंस 28% बढ़ गए और उनके फॉलोअर्स 2 करोड़ से ज्यादा हैं। नेताओं में उनसे आगे सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ही हैं। वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली को बीती रात दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेटली को रूटीन चेकअप के लिए साकेत के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली दौरे का आज दूसरा दिन है। कल हरचंदपुर में सोनिया ने 4 सड़कों का उद्घाटन किया था। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र का ये उनका दूसरा दौरा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के केरल दौरे का आज दूसरा दिन है। शाह कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें चुनाव मंत्र देंगे। इससे पहले कल तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के दफ्तर में शाह पहुंचे और नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पी सचशिवम को केरल का राज्यपाल बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय के पास नाम भेजा गया। आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के जम्मू कश्मीर से लौटने के बाद इसका आधिकारिक ऐलान हो सकता है। शिया धर्मगुरु मौलाना करवेज जवाद ने आजम खां और उमा भाटी के गले मिलती तस्वीर जारी कर आजम पर हमला बोला है। दरअसल आजम खां ने करवेज जवाद को बीजेपी का एजेंट कहा था। जवाद ने कहा कि आप बताइए बीजेपी का एजेंट कौन है। ये मुकदमा दे रहे दूसरे को बाबरी मस्जिद की शहादत की। कल भी जवाद यही नहीं रुके, अपने ऊपर आजम खान के हमले से बौखलाए जवाद ने आजम खान की एक और तस्वीर बीजेपी नेता कल्याण सिंह के साथ जारी की। इस तस्वीर को दिखाकर भी शिया धर्मगुरु ने पूछा आजम बताएं बीजेपी का एजेंट कौन है। शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद ने लव जिहाद के मसले पर कहा कि ये महज भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो ये गलत है। जवाद ने कहा कि अगर कोई भी धोखे से शादी करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन को भारत सरकार ने 1 साल का वीजा दिया है। तस्लीमा नसरीन को अगस्त 2015 तक भारत में रहने की अनुमति मिली है। चरमपंथी संगठनों की धमकी के बाद 1994 में तस्लीमा को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए आज से नामांकन होगा। छात्र संघ चुनाव के नामांकन पत्र में इस बार महिला पुरुष के साथ साथ ट्रांसजेंडर यानी कि अन्य का विकल्प भी उपलब्ध करवाया गया है। छात्र संघ चुनाव के लिए 12 सितंबर को मतदान होगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। कल रात से आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही थी। आतंकी एक घर में छिपे थे जहां उन्हें धर दबोचा गया। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक कश्मीर में 7 आतंकी घुसे, जिनमें से 14 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। सबसे ज्यादा 48 आतंकी मई महीने में कश्मीर में घुसे। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग चटर्जी इंटरनेशनल बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर लगी, जहां से तेजी से फैलने लगी। सबसे पहले बिल्डिंग के अंदर फंसे लोगों को निकालने की कवायद शुरू की गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां पहुंची। करीब 20 मंजिला इमारत की 13वीं मंजिल पर आग लगी होने की वजह से फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग सुबह करीब 8:30 बजे लगी। एक कमरे से लगी आग तेजी से पूरे फ्लोर में फैल गई। आग से लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आगरा के कोतवाली इलाके में देर रात आग ने अपना कहर बरपाया। हींग की मंडी में जूते बनाने वाली फैक्ट्री अचानक आग के लपटों से घिर गई। इस फैक्ट्री में भारी मात्रा में लेदर और फोम रखा गया था। फैक्ट्री की 3री मंजिल पर एक गोदाम में ये आग लगी। देखते ही देखते आग बेकाबू होती चली गई। आग की खबर लगते ही चारों ओर अफरा तफरी मच गई। फौरन फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। इस गोदाम के ठीक नीचे स्टेट बैंक की शाखा है। आग की लपटों को तेजी से बढ़ते हुए देखकर आर्मी की मदद ली गई। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था।